वापस करना चाहिए और हमें पूरा लोगों को जितने लोगों को जॉब सेक्टर चाहिए इसके लिए हम बैठा हुए थे। तो ये आप कब तक बैठेंगे? जब तक हमें जॉब दिया तब तक हम बैठेंगे, नहीं तो हम मरने के लिए तैयार है। या तो जॉब दो या नहीं तो मौत दो के नारे लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि हम जब तक भूख हड़ताल करेंगे, जब तक हमें नौकरी नहीं दी जाती है और नौकरी का इन्होंने पूरा, और हकीकत बात है कि जब डबल स्केल्ड हैं और डबल स्केल्ड होने के बावजूद भी इन्हें नौकरी नहीं दी जा रही है। सर आपका नाम? सतवीर सिंह गुर्जर। गुर्जर जी आप यहाँ कितने दिन हो गए लगभग बैठे हुए? हमें सर आज 29 डेज हो चुके हैं। हमें कुछ दिन हम बिल्कुल पीसफुल बैठे हुए थे, स्ट्राइक कर रहे थे, लेकिन हमें कहीं से भी कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला। मिनिस्टर से भी बात की, जेपी नड्डा जी से भी मिलने गए हम 100-125 लोग। वहाँ पे हम जाके हमसे बोला कि ऐसे ऐसे हम देख रहे हैं, आपका मीटिंग करेंगे डायरेक्टर से, सबसे मीटिंग करेंगे, लेकिन अभी तक हमें कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला उनकी तरफ से। पे बैठे और लास्ट टाइम तक हम ऐसे ही रहेंगे चाहे हमें मौत ही ना मिल जाए। बड़े दुख की बात है कि एक तरफ नौकरी दे दी जाती है फिर उन्हें निकाल दिया जाता है, और जो आमरण अनशन पे ही हम ऐसे बैठे रहेंगे जब तक हमें नौकरी नहीं दी जाती है। आइए और जानकारी लेते हैं। आपका नाम? विनीत तोमर जी, क्या कारण रहा कि आपको इस तरीके से इन्होंने निकाल दिया? एक तरफ भारत सरकार, दिल्ली सरकार ये कहती है कि हम 2 करोड़ हर साल नौकरी देंगे, और नौकरी देने के बाद में निकाल दिया गया, क्या कारण हुआ? सर ये सब ये हॉस्पिटल प्रशासन की अपनी हठधर्मिता है ना, इनके पास वैकेंसी भी हैं, इस हॉस्पिटल में वैकेंसी हैं, सफदरजंग में वैकेंसी हैं, RML में वैकेंसी हैं, हमको कहीं भी एडजस्ट भी कर सकते थे, परमानेंट के चक्कर में हमको इन्होंने निकाला है कि हम परमानेंट वैकेंसी लेंगे, आपको जाना पड़ेगा। लेकिन सर हम 2 साल पहले जिस रिक्रूटमेंट प्रोसेस से यहाँ भर्ती हुए ना, वही सेम रिक्रूटमेंट प्रोसेस परमानेंट के लिए था, हमारी इसमें कोई गलती नहीं है, सेम स्केल है, सेम सर क्वालिफिकेशन है, सब कुछ हमारा बराबर है उनके, और हमने हमारा 2 साल में रिकॉर्ड भी कुछ ऐसा नहीं है जो हमको किसी कारण से निकाला जाए। बस केवल ये है कि आपको निकालेंगे, कॉन्ट्रैक्ट वालों को परमानेंट लेंगे, आगे 270 और वैकेंसी इनके पास हैं और उसको वापस कॉन्ट्रैक्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं कि वापस कॉन्ट्रैक्ट निकालेंगे। और वापस से कॉन्ट्रैक्ट में जो लिया जाता है या ये फ्रेश लिया जाता है या इसके अंदर भी कुछ जो जान पहचान होती है या भाई भतीजावाद होता है या कुछ और भी होता है? बिल्कुल, वो इंटरनली सर सब कुछ चलता है। सब कुछ मतलब क्या चलता है? जो भी है कॉन्ट्रैक्ट पे, जैसे इंटरव्यू बेसिस लिए जाते हैं सर, और जहाँ भी होता है सुनने में ये भी आता है कि पैसे लिए जाते हैं क्लियर, अब किसके थ्रू कैसे लिए जाते हैं वो तो जांच का सवाल है, अंदर जो जांच होगी तो पता चलेगा, लेकिन पैसे ज़रूर लिए जाते हैं सर, नहीं तो हमको निकालने का क्या मतलब रहा? हम सेम क्वालिफिकेशन से आए हैं, कोई जो नए बंदे आए हैं हमारी जगह जिनको कह रहे हैं हम भर्ती कर रहे हैं, कोई एक्स्ट्रा उनका कुछ नहीं है, हम सब, और हमको जब भर्ती किया गया था सर सबके पास 2-3 साल का वेल क्वालिफाइड एक्सपीरियंस भी है, डबल स्किल्ड है सर, और 2 साल में एक भी हमारा माइनस पॉइंट नहीं है, काम किया हमने सबके साथ मिलके, हमने पूरा काम अच्छे से संभाला, फिर भी हमारे साथ बिना कुछ किए ऐसे किया जा रहा है, कोई मतलब नहीं उसका। एक तरफ कहा जाता है कि हम इस देश को भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे और इस तरीके से मुक्त हो रहा भ्रष्टाचार के, 2 साल से नौकरी कर रहे थे इनको निकाल दिया गया और फिर उनको और कॉन्ट्रैक्ट बेस पर औरों को ले लिया गया, क्या कारण रहा इनको लेने के लिए? आइए और जानकारी लेते हैं। आपका नाम? सुमित। सुमित जी, आज आपको 2 दिन ये स्ट्राइक पे हो गए, आपने जो बोर्ड ले रखा है आमरण अनशन का, तो कब तक आमरण अनशन करेंगे आप? सर सीधी सी बात है, बस मेरे को कुछ नहीं, आपको सब पता है, सबको बता चुके हैं मेरे साथियों ने सब कुछ बता दिया सर, हमें बस रोज़गार दे दो सर, कहीं पे भी दे दो, हमारा काम जो नर्सिंग का है कहीं पे भी, हमें पता चला सफदरजंग हॉस्पिटल में वैकेंसीज है वहाँ पे भी कॉन्ट्रैक्ट पे निकाला है, वो भी हमने कैंसिल करवाई गया, अगर कॉन्ट्रैक्ट पे स्टाफ लेना तो हमें ही ले लो, हमें क्यों बाहर निकाल रहे हो, हमने बोल चुका सर, और फिर भी नहीं कोई सुनवाई कर रहे हैं हमारा, तो सर इससे अच्छा हमें मौत दे दो सर, मैं तो इच्छा मृत्यु के लिए, अगर मेरी अपील हो सकती है तो मेरे को इच्छा मृत्यु दे दो सर, मैं रेडी हूँ उसके लिए, मेरे को नहीं चाहिए कुछ भी। नहीं सर, ये अमित जी जो परिवार का एक ये था कि हमारा लड़का पढ़ेगा लिखेगा और हमारे हाथ बटाएगा, और आज आप अपने स्वेच्छा से इच्छा मृत्यु मांग रहे हैं, तो आज परिवार का क्या होगा? सर बस मैं बताता हूँ, अपनी रियलिटी बताता हूँ सर, 20 नवंबर को मैं ड्यूटी पर आया हूँ, नाइट मेरी ड्यूटी थी, मेरे को आते ही मेरे को लेटर दे दिया सर, मुझे नहीं पता मेरे को 2 लड़के वहाँ से उठा के लाए, मेरे पे क्या बीत रही थी, आप वहाँ बेहोश हो गए थे? मैं बेहोश होकर गिर चुका था, मेरे को 2 साथी थे,
मेरे, वो मेरे को लेके आए हैं यहाँ पे इमरजेंसी में। उन्होंने पूरी रात मेरे को समझाया है, अगले दिन से हम यहाँ पे बैठे हैं, शांतिपूर्वक बैठे थे कि न्याय मिलेगा न्याय मिलेगा, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई सर। अब हमारे पास में कुछ भी नहीं बचा सर। फिर हमने सोच लिया भाई आमरण फिर बैठेंगे, हम अनशन करेंगे, जो होगा वो देखी जाएगी सर। मैं तो चाहता हूँ मौत दे दो सर इससे, सर क्या करूँगा मैं बताओ सर। दो बेटियाँ मेरे पास में, क्या मैं बताऊँ उनको, क्या कर सकता हूँ उनके लिए बताओ। मुझे सरकार जवाब दे दे या लेडी हार्डिंग प्रशासन दे दे कि मैं क्या करूँ। मेरे को आते ही हो तो घर से आया हूँ मैं खुश होकर कि भाई ड्यूटी पे आया हूँ मैं, और आते ही मेरे को ये थमा दिया है, ना कोई नोटिस ना कुछ भी नहीं, सीधा आते ही दे दिया ये लोग पकड़ो तुम। बड़े की बात है कि आंखों के अंदर आंसू झलक रहे हैं, जो युवाओं के कंधे पे कहा जाता है कि ये भारतवर्ष युवाओं के कंधे से कंधा मिलाकर चलेगा, लेकिन आज इनकी आंखों में आंसू देखे जा रहे हैं और लग रहा है कि सभी की ये इच्छा है कि भाई हमें इच्छा मृत्यु दे दो या तो नौकरी दे दो, और नौकरी इनके हाथ में दे सकते, लेकिन इच्छा मृत्यु तो ये मांग रहे हैं। लेकिन ऐसा युवाओं के जो आज जो देखा जा रहा है कि जो एक भारत में कहा जाता था कि हम 2 करोड़ नौकरियाँ देंगे और सरकारें भी नहीं देख रही हैं। आइए अभी हम और जानकारी लेते हैं सर। सर ये जो मामला है, ये जो चल रहा है, आप आज 29 दिन लगातार हो गए, तो प्रशासन का आपके साथ में क्या रवैया रहा है? प्रशासन का नाराजगी भरा रवैया ही रहा है अभी तक। प्रशासन हमें कोई सांत्वना नहीं दे रहा है, वो तो चाहता है कि इनको भगा दो, बेरोजगारी बढ़ा दो, प्रशासन तो चाहता ही यही है। अगर प्रशासन नहीं चाहता तो वो यहाँ से हमें निकालता ही नहीं। प्रशासन का तो रवैया भ्रष्ट प्रशासन हो गया जी। प्रशासन चाहता है कि हम भ्रष्टाचार फैला ही ये प्रशासन रहा है, नहीं तो चाहता ही नहीं। जब मरीजों को सफरिंग हो रही है काम करने, मरीजों को इलाज करवाने में, उसके बावजूद क्यों निकाल रहा है ये बेरोजगारी? तो ये खुद लोग बढ़ा रहे हैं, ये कह रहे हैं रोज़गार देंगे, लेकिन बेरोजगारियां तो यही बढ़ा रहे हैं, रोज़गार कहाँ से दे देंगे? अभी मोदी जी कल परसों कह रहे थे कि भाई विकास की जीत है, यही विकास की जीत है? इसी को कहते हैं विकास कि युवाओं को सड़क के किनारे ला के खड़ा कर दो, उनका जो रोज़गार था उसको भी छीन लो आप, यही तो विकास की जीत है? अब देखो मोदी जी से अपील करते हैं कि भाई हमारी नौकरियां दे दो, हमें युवाओं को रोज़गार दे दो, जो था वो तो दे दो, इससे ज़्यादा बड़ा अच्छा रोज़गार नहीं दे सकते, तो कम से कम जो था उसको तो मत छीनिए आप। लेकिन सर आप डबल स्किल्ड हैं और आपको निकाल दिया गया, और कुछ लोग कह रहे थे इनडायरेक्ट औरों को लिया जा रहा है कॉन्ट्रैक्ट वेट पर, औरों को लिया जा रहा है, तो ये क्या है? सर औरों को लिया जा रहा है कॉन्ट्रैक्ट पर, ये हकीकत है, सही बात है। सफदरजंग हॉस्पिटल में 113 पोस्ट हैं, इन्होंने निकाली थी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे, 113 का इन्होंने रिटर्न टेस्ट भी लिया है, वो भी कॉन्ट्रैक्ट के लिए ही। उसके बाद हम लोग कोर्ट में गए हैं तो कोर्ट ने उन वैकेंसियों को पोस्टपोन्ड किया है, तो ये भ्रष्टाचार नहीं तो और क्या है कि ये कॉन्ट्रैक्ट को हटाकर ये लोग कॉन्ट्रैक्ट लेने की बात कर रहे थे उस दिन। तो उस टाइम अगर कोर्ट इनको दिशा निर्देश नहीं देता तो ये उन वैकेंसियों को फुलफिल कर चुके होते और इस कॉन्ट्रैक्ट को निकाल के नया कॉन्ट्रैक्ट लेते। उस कॉन्ट्रैक्ट को लेने के पीछे इनकी क्या साजिश थी? वही भ्रष्टाचारी नीतियाँ इनकी, तभी ले रहे थे, वरना लेने का क्या कारण था? कोई कारण ही नहीं नज़र आ रहा था। और तो क्योंकि अगर यहाँ ओवरफ्लो इनको स्टाफ लगता है नहीं, हालांकि यहाँ 290 के आसपास पोस्टें वैकेंट है, अभी RTI इसका जवाब आ गया है। उसके बाद अगर फिर भी ओवरफ्लो है तो ये सफदरजंग ट्रांसफर है भाई, इन चारों हॉस्पिटलों का हेल्थ डिपार्टमेंट तो एक ही है, सेंट्रल गवर्नमेंट से बजट पास होता है इनका, तो हमें वहाँ शिफ्ट कर देते, ये कोई दिक्कत ही नहीं थी। लेकिन भ्रष्टाचारी तो ये खुद बने हुए हैं ना भाई, नया कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हैं, प्रॉफिट इन्हीं लोगों को हो रहा है, पुराने को निकालो नया ले लो, जिनके पास 2-2 साल का एक्सपीरियंस है, 2 साल हो गए इन बंदों काम करते हुए, यहाँ 2 साल से हमें हर चीज़ का पता है, यहाँ कब कौन सी चीज़ें कहाँ रखी है, किस पेशेंट को क्या ट्रीटमेंट का है, किस डॉक्टर का क्या ट्रीटमेंट चलता है, हर डिपार्टमेंट का नॉलेज हुआ है, उसके बाद में ये लोग निकाल रहे हैं, तो बहुत ही नाइंसाफी वाली बात हो गई। लेकिन जो वादे मोदी जी ने किए थे उन वादों में से एक भी वादा पूरा नहीं होता दिख रहा है हमें यहाँ, क्योंकि हमारी बेरोजगारियाँ ही बढ़ती जा रही हैं, रोज़गार नहीं मिल रहा, नए रोज़गार तो आए ना आए, लेकिन जो रोज़गार हैं वो भी जा रहे हैं हमारे, इससे ज़्यादा और क्या करें हम। अब इशाद अहमद जी, यहाँ आपकी जो ये स्ट्राइक है और आप जो यहाँ आए, तो आपको कैसा लग रहा है हॉस्पिटल के अंदर? सर मैं परसों आया था 7 बजे, हाँ, ब्लड चेक करवाने के लिए, हाँ, चेकअप नहीं हुआ, लाइन लगे सुबह से लगे, 11 बजे तक लाइन लगा, लाइन लगाई सुबह से जी, हाँ, 11 तक लाइन था, उसका चेकअप नहीं हुआ, बोला कि क्या है, तो बोला नर्स हड़ताल पे है। फिर कल आया, कल भी नहीं हुआ, आज भी नहीं हुआ जी। मतलब ये मान रहे हैं हॉस्पिटल वाले कि जो स्ट्राइक पे बैठे हैं इनके कारण यहाँ की असुविधा हो रही है जी। असुविधा, हाँ, असुविधा होती है। अब यहाँ जाते हैं तो वो बोलता है कि CM के पास जाओ, वहाँ बोलता है वो होम जो ऑफिस है उसके पास जाओ, वहाँ जाओ वहाँ जाओ, लेकिन होता नहीं है ब्लड चेकअप। आइए और जानकारी लेते हैं। कमी से थोड़ी कमी तो महसूस होती है। आपका नाम? मोहम्मद असलम। मोहम्मद असलम जी, आप यहाँ क्यों आए हो?
सर मैं अपनी मम्मी को लेकर आया हूँ यहाँ। मम्मी के लिए लेके? हाँ जी। तो आप ये हॉस्पिटल की जो व्यवस्था देख रहे हैं क्या है इसमें? आप सर व्यवस्था के अंदर बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं इनकी वजह से। किनकी वजह से? ये जो स्ट्राइक पे बैठे हैं नर्स वगैरह हमारे, ये इनसे जो ना बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है पेशेंट को भी और डॉक्टरों को भी, क्योंकि काम जो है ना वो तसल्ली से नहीं हो रहा, कोई भी बहुत बहुत टाइम लग रहा है और बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है सर।